भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ऑफ इंडिया के करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टर्म्स वाले प्रोडक्ट्स हैं और अधिकतर प्रोडक्ट्स लंबी अवधि के होते हैं। इस बीच यदि किसी कस्टमर की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो पॉलिसी को बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बीच में पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो क्या वो पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे? यदि पॉलिसी को वो सरेंडर करते हैं तो उनको क्या नुकसान होता है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? यदि वो चाहें तो पॉलिसी को सरेंडर ना कर उसके स्थान पर और क्या कर सकते हैं जिससे कि उनको नुकसान कम हो और उनको कुछ बेनिफिट्स मिल सके, इन सब बातों पर इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड आपके लिए एक गाइड की तरह है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें जिससे इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए कोई भी वीडियो इस पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। पॉलिसी होल्डर्स जब लगातार किसी भी पॉलिसी के प्रीमियम को भरता रहता है, मैच्योरिटी तक जब वो प्रीमियम लगातार भरता है तो उसके सारे बेनिफिट्स उसको प्राप्त होते हैं। उसमें जो भी एक्वायर्ड बोनस होता है, जो भी बेनिफिट्स होते हैं, वो सब उसको मिलते हैं। और इस बीच अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को फुल कवरेज प्राप्त होता है। तो सरेंडर का अर्थ होता है पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले डिसकंटिन्यू करना, यानी कि मैच्योरिटी नहीं हुई है तो उसके पहले ही जब हम पॉलिसी को रोक देते हैं, उसके प्रीमियम नहीं देते हैं और अपने पैसे वापस ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं सरेंडर। तो जब कोई व्यक्ति, कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को सरेंडर करता है तो ये 2 या 3 वर्ष के बाद ही पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। पॉलिसी स्टार्ट होने के साथ ही साथ वो पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर पाएगा। इसका एक फिक्स टर्म होता है, किसी किसी पॉलिसी में 2 वर्ष होते हैं और किसी पॉलिसी में 3 वर्ष होते हैं, उसके बाद ही वो पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी को 1 वर्ष के बाद भी सरेंडर कर पाएंगे। और यूनिट लिंक प्लान जो होते हैं जिसके 5 ईयर्स अगर लॉक इन पीरियड है तो उसके पहले वो सरेंडर नहीं कर पाएंगे फुल अमाउंट को, लेकिन 5 ईयर्स के बाद जब वो सरेंडर करते हैं तो उसका पूरा यूनिट वैल्यू प्राप्त हो जाता है। लेकिन किसी किसी यूनिट लिंक या यूनिट प्लान में पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन रहता है, यानी कि 5 वर्ष के बाद ही वो फुल अमाउंट को सरेंडर नहीं कर पाएंगे। उसका कुछ परसेंट होता है, किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 50%, इस तरह से उसके परसेंटेज को आप पार्शियल विड्रॉ कर पाएंगे। तो सरेंडर करते समय जो सरेंडर वैल्यू कस्टमर को प्राप्त होता है, ये सरेंडर वैल्यू 2 तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं। एक होता है गारंटीड सरेंडर वैल्यू और दूसरा होता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी का मिनिमम टर्म, जो सरेंडर के लिए मिनिमम टर्म दिया गया है, किसी में 2 वर्ष और किसी में 3 वर्ष होते हैं। उसके तुरंत बाद जब कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करता है, पॉलिसी को सरेंडर करता है, तो ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होते हैं। और ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू 30% से लेकर के 50% के बीच हो सकते हैं। इसका वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन कुछ अधिक दिनों के बाद जब पॉलिसी को सरेंडर की जाती है तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू अधिक हो सकता है। और जितनी जल्दी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, गारंटीड सरेंडर वैल्यू उतना ही कम होता है, यानी कि जितना अधिक दिनों के बाद सरेंडर करेंगे गारंटीड सरेंडर वैल्यू उतना अधिक होगा, और जितनी जल्दी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे गारंटीड सरेंडर वैल्यू उतना ही कम होगा। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि फुल अमाउंट मिलेंगे, इसमें भी पॉलिसी को होल्डर को नुकसान ही होता है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू के अमाउंट गारंटीड सरेंडर वैल्यू से अधिक होते हैं और ये टाइम टू टाइम कंपनी की तरफ से डिटरमाइन किया जाता है और उनके प्रॉफिट के हिसाब से ये स्पेशल सरेंडर वैल्यू प्रदान किए जाते हैं। जिसका लास्ट फाइनेंस ईयर में जिस तरह के प्रॉफिट कंपनी को होती है, जिस तरह के प्रॉफिट LIC को प्राप्त होती है, उसके हिसाब से ही ये स्पेशल सरेंडर वैल्यू कस्टमर्स को प्रदान किए जाते हैं और ये गारंटीड सरेंडर वैल्यू से अधिक होता है और ये अधिक दिनों तक चलने के बाद ही प्राप्त होता है। पॉलिसी को जब डिसकंटिन्यू या सरेंडर कर दिया जाता है तो उसके सारे कवरेज बंद हो जाते हैं, कवरेज रुक जाते हैं, उसको फिर से कभी आप रिवाइव नहीं कर पाएंगे, उसको पुनः चालू नहीं कर पाएंगे। जितने बेनिफिट्स उसके साथ अटैच होते हैं वो सारे बेनिफिट्स का नुकसान होता है। बेनिफिट्स अटैच क्या होते हैं, जितने दिनों तक पॉलिसी चलती रहती है उसके बोनस और उसके बेनिफिट्स उस कस्टमर के सम एश्योर्ड के साथ ऐड होता रहता है, तो वो जो सम एश्योर्ड के साथ जो बोनस ऐड होता है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड होते हैं, सरेंडर करते समय वो बेनिफिट्स प्राप्त नहीं होते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति पॉलिसी को सरेंडर ना कर उसको पेडअप स्थिति में छोड़ देता है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके साथ अटैच रह जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सरेंडर करना चाहता है, पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि यदि वो पैसे नहीं दे सकता है तो वो पॉलिसी को पेडअप स्थिति में छोड़ दे। जो कि पॉलिसी होल्डर उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है, पेडअप स्थिति में छोड़ सकता है, तो उसके साथ जो उसके बोनस ऐड हुए हैं वो बोनस रह जाएंगे और फ्यूचर में कभी भी वो चाहे तो पॉलिसी को रिवाइव भी कर सकता है 5 वर्षों के अंदर। यदि पॉलिसी को वो रिवाइव करता है, सारे प्रीमियम देकर फिर से चालू करता है, यदि उसकी मॉनिटरी स्थिति अच्छी हो जाती है तो फ्यूचर में वो पॉलिसी को चालू करने की स्थिति में हो सकता है। लेकिन यदि वो सरेंडर कर देता है तो पुनः वो पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर पाएगा, दोबारा उसको चालू नहीं कर पाएगा। तो पेडअप स्थिति में छोड़ने पर उसके साथ जो बोनस अटैच रहते हैं वो उसके साथ अटैच रह जाते हैं और भविष्य में जब पॉलिसी मैच्योर्ड होती है तो उसको उसका बेनिफिट प्राप्त हो जाता है। कुछ दिनों के बाद
उसके इंश्योरेंस कवरेज भले ही रुक जाते हैं लेकिन उसके साथ अटैच्ड बेनिफिट्स रह जाते हैं और उसके नॉमिनी को वो वैल्यू प्रदान कर दिए जाते हैं यदि उसकी डेथ हो जाती है। तो पॉलिसी को यदि सरेंडर ना करके उसके पेडअप वैल्यू को छोड़ दिया जाता है तो वो पेडअप वैल्यू बाद में प्राप्त हो सकते हैं। तो पेडअप वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। पेडअप वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जितना भी नंबर ऑफ प्रीमियम्स आपने पे किया है, नंबर ऑफ प्रीमियम्स जितना पेड कर चुके हैं उसको डिवाइड करेंगे जितना प्रीमियम आपको देना है, टोटल प्रीमियम से नंबर ऑफ प्रीमियम से उसको डिवाइड करेंगे। क्वार्टरली अगर एक वर्ष में देते हैं तो 4 होंगे और 10 वर्ष में 40 होंगे, तो इस तरह से नंबर ऑफ प्रीमियम्स हो गए। तो नंबर ऑफ प्रीमियम्स आपने कितने पेड किए हैं डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रीमियम्स कितना पे करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है सम एश्योर्ड से, कितनी की पॉलिसी है, कितनी की सम एश्योर्ड है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी की सम एश्योर्ड होती है उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें अभी तक का जो बोनस है उसको ऐड कर देते हैं। ये होता है पेडअप वैल्यू। तो पेडअप वैल्यू आप इजीली जान सकते हैं कि पेडअप वैल्यू कितना है, तो नंबर ऑफ प्रीमियम्स कितना आपने पे किया है उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम से, कितना प्रीमियम टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम्स कितना पे करना है उसे डिवाइड करने के बाद हम सम एश्योर्ड से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसमें बोनस ऐड कर देते हैं। तो ये पेडअप वैल्यू होती है। तो ये पेडअप वैल्यू उसके पॉलिसी के साथ अटैच होते हैं, जो कि यदि वो पॉलिसी को सरेंडर नहीं करता है तो जो उसके साथ एक्वर्ड बोनस अटैच होता है वो बोनस अटैच रह जाता है और बाद में उसको वो प्राप्त हो जाता है, या फिर जब उसकी डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को बोनस के साथ ही वो पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। लेकिन यदि वो पॉलिसी को सरेंडर कर देता है तो फिर ये एक्वर्ड बोनस उसके साथ नहीं मिलते हैं, कोई भी बेनिफिट प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए यदि पॉलिसी को पेडअप स्थिति में छोड़ दी जाए, यदि किसी कारणवश अगर उसकी स्थिति खराब हो गई, वो पॉलिसी को नहीं चला पा रहा है, हालांकि इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंटिन्यू करना चाहिए, जिस स्थिति में भी हो इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि उसके साथ सम एश्योर्ड अटैच होता है, एक डेथ बेनिफिट रहती है जो कि परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी कारणवश यदि वो नहीं चला सकता है, डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो पैसों को ना उठाकर उसको पेडअप वैल्यू में भी छोड़ा जा सकता है जिससे उसकी नुकसान थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन किसी एक्सट्रीम स्थिति में यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करना भी चाहते हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आइए उनको एक बार देख लेते हैं। एक एप्लीकेशन देना होगा, एप्लीकेशन आप हाथ से भी लिख सकते हैं या फिर आप टाइप करवा सकते हैं, उसमें आपको रीज़न लिखना होगा पॉलिसी को सरेंडर करने का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका ओरिजिनल LIC की कॉपी है। पॉलिसी करते समय जो ओरिजिनल पॉलिसी LIC पॉलिसी की जो कॉपी प्राप्त होती है, जिसको LIC की भाषा में पॉलिसी बॉन्ड कहते हैं, वो अटैच करने होंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आवश्यक फॉर्म है इसके सरेंडर के लिए, वो है फॉर्म नंबर 5074। ये अटैच करने होंगे ड्यूली, इसको फिलअप करके उस पर साइन करके इसको अटैच करने होंगे। साथ में आप एक कैंसल चेक देंगे, बैंक डिटेल्स देंगे पॉलिसी होल्डर का जिसके नाम पर पॉलिसी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कैंसल चेक देना होगा और साथ में नेफ्ट मैंडेट फॉर्म भरना होगा। LIC की तरफ से एक नेफ्ट मैंडेट फॉर्म दी जाती है, उस फॉर्म को फिलअप करना होगा और उसके साथ एनेक्सचर 1 और एनेक्सचर 2 जो कि सरेंडर के लिए क्वेश्चनरी है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अटैच करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें साथ में अटैच करने होंगे, ड्यूली फिलअप करके सिग्नेचर करके इसको ब्रांच में जाकर सबमिट करना होगा। ब्रांच मैनेजर से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद उसको ब्रांच में आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो आपने बैंक डिटेल्स दी हैं, उस बैंक अकाउंट में पैसे सरेंडर वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। उम्मीद है सरेंडर से संबंधित सारी बातें इसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो या आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से आपको ज़रूर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।